भोपाल में बीएसटीबी ने ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला से खास बातचीत की। मंत्री ने बताया कि ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है जिसमें 278 मेगावाट का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके साथ ही 50% ग्रीन एनर्जी से बिजली उत्पादन हो रहा है, इसका प्रयास भी होगा। वहीं इंदिरा सागर बांध पर भी प्रोजेक्ट भी चालू होगा, ये बात उन्होंने कही है। लगातार ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और लगातार नए नए आयाम जो है वो रचने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में ओंकारेश्वर में जो है फ्लोटिंग लगाया गया है सोलर, वहाँ पर मंत्री जी खुद गए थे और निरीक्षण किया था। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ नवीकरण मंत्री जो है राकेश शुक्ला जी हैं। सर, आप ओंकारेश्वर गए थे, वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है वहाँ पर? हम तो ये कहेंगे आपसे, पहले आप भी देख के आओ, हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति के साथ जो हम काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, फ्लोटिंग वाला जो ओंकारेश्वर का कल देखने गया तो वहाँ एक सातवां आठवां युवा है मध्य प्रदेश के लिए, ये गौरव की बात है। और वहाँ पर 278 मेगावाट का भी काम पूरा हो चुका है और लगभग 530 तक हम जाएंगे वहाँ, और लगातार काम चल रहा है, बहुत अच्छा है। और मध्य प्रदेश अन्य जगह भी सोलर के क्षेत्र में, अच्छे ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे आगे जाए, कैसे अग्रणी हो, देश में कैसे अग्रणी हो, ये लगातार प्रयास हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसके परिणाम भी सामने आएंगे। सर, लगातार केंद्र सरकार से भी मदद मिल रही है और आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि 50% बिजली का जो उत्पादन हो वो सोलर से हो, अब आगे क्या प्रयास रहेगा? अभी लगातार चल रहे हैं प्रयास, हमारी कई जगह हमने जमीन भी चिन्हित की है, कई जगह फ्लोटिंग के लिए भी हम काम कर रहे हैं। तो ये इसको बोलने की नहीं, करने की जरूरत है, आप लोगों को देखने को भी मिलेगा और लगातार हम और आप बात करते रहेंगे। निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ मंत्री राकेश शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो है लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, अलग अलग जगहों पर जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, बीएसटीवी भोपाल।